किसानों के प्रति बैंक प्रशासन पर उदासीनता का आरोप। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस एनसीपी का आंदोलन। बदहाल इंटरनेट सेवा से किसानों और व्यापारियों की बड़ी मुश्किलें। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में स्थित किनवट और माहुल तहसीलों में कांग्रेस और एनसीपी मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। यह आंदोलन दरअसल उन राष्ट्रीयकृत बैंकों को लेकर किया गया जो ऑनलाइन ऑफलाइन के नाम पर किसानों और व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा नांदेड़ जिले के माहूर और किनवट तहसीलों में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप है, जिसकी वजह से बैंकों में किसानों और व्यापारियों का कोई काम नहीं हो पा रहा। इसी के चलते कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से एक दिन का सामूहिक आंदोलन किया गया, जिसमें स्थानीय सांसद राजीव सातव और विधायक प्रदीप नाइक भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। किनवट माहूर हा अत्यंत मागास आणि दुर्गम भाग आहे, तिथे सुद्धा एक्स्ट्रा स्टाफ देऊन सरकारने त्यामध्ये बदल केला पाहिजे। ज्या पद्धतीने नवीन कर्ज माठक बँका करायला तयार नाही आहेत, मुद्रा लोनच्या प्रकरणामध्ये कुठलीही नवीन जी बदल व्हायला पाहिजे, नवीन लोकांना ॲड करायला पाहिजे, ते सुद्धा काम मुद्रा लोनच्या प्रकरणात होत नाही, त्यासाठी सुद्धा पाठपुरावा आम्ही आणि आमदार प्रदीप नाईक साहेब आम्ही दोघेजण करणार आहोत। बँका अनेक शेतकऱ्यांना तुम्ही आम्हाला दत्तक नाही म्हणून वाटी लावतात, त्यांना मदत करत नाही। रिझर्व्ह बँकेच्या सर्क्युलरनुसार दत्तक बँक ही संकल्पनाच अस्तित्वात नाही। बँकांचे मॅनेजर, बँकांचे कर्मचारी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत की ही बँक दत्तक आहे आणि ती बँक दत्तक आहे। शेतकऱ्याला जिथे पाहिजे, ग्राहकाला जिथे पाहिजे, तिथून ते बँकेचा मदत घेऊ शकतात। त्यामुळे दत्तक बँकेच्या नावाखाली जर एखादा अधिकारी, एखादा कर्मचारी शेतकऱ्याला त्रास देत असेल तर ते सुद्धा त्यांची मनमानी आहे, आणि अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध, अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई झाली पाहिजे ही आमची या निमित्तानेची भूमिका आहे। शेतकरी ज्यावेळेस बँकेत जातो, एखादा सर्वसामान्य माणूस ज्यावेळेस बँकेत जातो, त्यावेळेस बँकांचे कर्मचारी अत्यंत उद्धटपणे वागतात, अशा पद्धतीचे अनुभव आलेले आहे। आणि त्या संदर्भामध्ये सुद्धा असे जे कोणी अधिकारी आणि कर्मचारी असतील त्यांच्याविरुद्ध कारवाई झाली पाहिजे। आंदोलनकारी नेताओं का ये भी आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से बैंकों का कामकाज सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गया है। यही नहीं, किसानों को नया कर्ज भी बैंकों की तरफ से नहीं दिया जा रहा, और जब किसान किसी आर्थिक मामले की जानकारी लेने बैंक पहुंचता है तो उसे बैंक मैनेजर गुमराह कर वहां से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। साथ ही इंटरनेट की खराबी का ठिकरा BSNL कंपनी पर फोड़ रहे हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है मुझे मालूम है, और मेरी पूरी सहानुभूति उनके किसानों के साथ ही है। हम हमारी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगा के पीछे पड़े हैं कि उनको सभी को कर्ज त्वरित मिले, जल्दी से जल्द मिले, ये हमारी कोशिश रहेंगी। और अब तक हमारे 450 लोगों का लोन सैंक्शन किया है, उनमें से तकरीबन 150 लोग का लोन वितरित भी हुआ है, बाकी बचे वाला काम हमारे हाथ पे है। लेकिन थोड़ी BSNL की कनेक्टिविटी की व्यवस्था हमारे लिए है, क्योंकि जून महीने में प्राय आप 15-20 दिन कनेक्टिविटी नहीं थी, आज भी नहीं है, और इस कारण जो काम हमें करना है वो कर नहीं पाते। बैंक मैनेजर की प्रतिक्रिया लेने के बाद IN24 न्यूज संवाददाता जब BSNL के कार्यालय पहुंचे तो यहां भी जूनियर टेलीकॉम अधिकारी अपने जगह पर मौजूद नहीं थे। किनवट और माहूर तहसील के किसानों ने अब ये भी आरोप लगा दिया है कि चूंकि BSNL अधिकारी रवि कुमार आंध्र प्रदेश के निवासी है, इसलिए उनकी मानसिकता किनवट तहसील में काम करने की नहीं है। ऐसे में एक तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों की लागत का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है और उनको राहत देने का ढोल थपथपाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का सिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर पा रहा। ऐसे में किसानों की समस्या जल्दी हल हो जाएगी ये कहना मुश्किल है। राशिद फजलानी, IN24 न्यूज, नांदेड़।